भाभी जी। नमस्ते। हे छोटू। हाँ। उन्हें तनी चाय पहुंचा दे। नमस्ते भाभी जी। हाँ भाभी जी। नमस्ते। चाय। ये लीजिए। पैसे बाद में दे। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं बाद में ले लूंगा। जी। अच्छा, अब तक खुली है दुकान? कब से आ रहे हैं समझाने? नहीं समझ आता? नहीं समझ आता तुझे? सीधी बात समझ नहीं आती तुम लोगों को? कितनी बार कहा है कि यहाँ महाशय भगवान का आश्रम बनेगा। हम यहाँ से ऐसे कैसे चले जाएं? तुम ही सोचो। जेंट मामा, लोबान का पैकेट दे दीजिए। पूरा परिवार यहाँ पर है। कब से कह रहे हैं जगह खाली करने के लिए? ये तो इनका रोज का ही काम है। लोबान दीजिए। अरे अब दे भी दीजिए ना, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें घर जल्दी जाना है। आ जाओ। चलो बेटा। कितने पैकेट चाहिए? 3 पैकेट। अरे वाह, नया बोर्ड लगा दिया। हाँ, पर बोर्ड पर नैयर नहीं होना चाहिए था। पर ऐसा क्यों? क्या पता वो लोग कब परेशान करने आ जाए ये बोलते हुए कि उनकी जायदाद है। ये पंजाब की उच्च जाति मानी जाती है नैयर, उन्हें लगेगा कि हम भी उसी जाति के हैं। चुप कर, उठे महाशय आश्रम यहाँ आएगा। कान खोल के सुन ले, तेरी झोपड़ी के तुझे पैसे मिलेंगे, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ बुढ़े, चला जा यहाँ से। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? अरे भैया, राजा तनी तुम ही बता दो ना, इस जगह पर आधा से ज्यादा लोग हमरे ही बिरादरी के हैं। मलबारी, ये कौन सी भाषा में बड़बड़ कर रहा है? क्या हो गया है उसे? हैं? सफेद दाढ़ी और काले बाल है तो खुद को हीरो समझता है क्या? क्या बकवास कर रहा है ये? तो यहाँ से जाएगा कि नहीं? नहीं, हम नहीं जाएंगे, जो करना कर लो। आप जाइए, जाइए। सीधे से दुकान खाली कर रहे बुढ़े, नहीं तो हमें दुकान जबरदस्ती भी खाली करानी आती है, समझा? ये जगह सबको खाली करनी है। वो मुझे तो लगता है कि ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। देखा कितनी घासी हो गई है, मेरी बात नहीं सुनती ना? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। अब दवा लेना ठीक है, दिमाग खराब हो गया है। नमस्ते बहन। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। लोबान खरीद कर लाई? क्या लोबान खरीद कर लाई? हाँ। तुम्हारे गुरुजी चले गए क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं, बहुत महान इंसान है वो, संस्कृत का विद्वान है, गिरी जाति का है और गंगा किनारे घर है उसका, जिसमें तहखाना और शस्त्रागार भी है। ये सुनने के बाद मैं शादी के लिए मान गई, और यहाँ आने के बाद
तुम्हें पता तो होगा ना कि मेरे माँ बाप नहीं है। अगर कोई है तो बस एक बहरा मामा। अगर वो गरीब इंसान अपनी भतीजी से मिलना भी चाहे तो रेलवे स्टेशन 150 किलोमीटर दूर है, जहाँ सिर्फ भाप वाला इंजन ही आता है। अगर तुम वहाँ जाकर ऐसे कान लगाकर सुनोगे ना, और मेरी किस्मत अच्छी रही और हवा ने साथ भी दिया, तो मामा जी की आवाज़ सुनाई देगी, पर मामा जी को वहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ आएगी। और कितनी बार ये बात दोहराती रहोगी अम्बा? देखो तो क्या हालत हो गई है इसकी। पता नहीं कितने सालों से उन्होंने फैक्ट्री की बाइक की मरम्मत ही नहीं करवाई है। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि इसे वैकेशन क्लास के लिए वहाँ भेजने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, मैंने इसे वैकेशन क्लास भेजा इसलिए हमारी बच्ची कम से कम ए भी पढ़ सकती है। अगर तुम इसे संस्कृत सिखाते रहे और धुएं और कालिक से बचाते रहे तो तुम्हारी बेटी का IQ लेवल 0 ही रह जाएगा। IQ से ज्यादा जरूरत इंसान को होती है WQ की। WQ? ये क्या होता है? विजडम कोशेंट, ज्ञान की ताकत, ज्ञान की मर्यादा। यही इकलौती एक ऐसी चीज है जो इस देश ने पूरी दुनिया को दी है। धूमे नाब्रियते बन्नी है यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेना व्रतो गर्भः तथा तेने तमाव्रतम्। बोलो इसे। धूमेना व्रियते वर्णीहि। इसे ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते एलन। गीता इज फुल ऑफ टीचिंग्स, उसके लिए ये ठीक है, पर तुम यहाँ मूल मंत्र का सार जानने आई हो एलन, उसके लिए इतना काफी नहीं है। संस्कृत का उच्चारण इंटोनेशन शुड बी करेक्ट। संस्कृत के सभी मंत्र, संस्कृत के सभी श्लोक, इट इज ऑल अबाउट द साउंड एंड वाइब्रेशन। इनका अर्थ शांत मन से ही समझा जा सकता है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम हिंदी में बात करो। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। मैं कोशिश कर रही गुरुजी। के साथ ये सब किया, तुम लोग देखते रहे। अब दिखाता हूँ स्वर के बच्चों को। चल सलीम। जी भाईजान, आज इनको देख ही लेते हैं। नहीं अब छोड़ूंगा नहीं आज। सलीम रोक ले अपने भाई को। नहीं करना बेटा। कौन है? मेरे अब्बू को किसने मारा? आजा बताते हैं। मारो था लोगों। मारने आया है। मारो था देखो। कोई पुलिस सिपाही मंत्री तुम्हें बचाने वाला नहीं है, समझा? बगैर रोकपाल चल जा यहां से। धूमेना व्रियते वर्णिः। आइए 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 सर, आइए। गिरिजी, नमस्कार। गिरिजी, मेरे ख्याल से मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। कल तक तो वो लोग हमसे निवेदन कर रहे थे, लेकिन आज उनका रवैया अलग था। मुझे लगा कि थोड़ी बहुत धमकी देकर काम हो जाएगा, लेकिन ये देखिए आप, हमने क्या बिगाड़ा था उसका। रोजी रोटी के लिए आ गए थे यहाँ, हम कहाँ जाएंगे? उन्होंने मुझे भी धमकी दी है, मुझे भी खाली करने को बोला है, वही अच्छे पैसे के बदले। पंडित जी ना मत बोलिएगा, हम में से सिर्फ आप ही उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, आप में से कितनों के पास अपनी जमीन के असली कागजात हैं? हमारे पास। हाँ ठीक है, जिसके पास कागजात हैं उसकी बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा धंधा है, परिवार है, पर कागज नहीं, हमारा क्या होगा? पहले कागजात वालों की परेशानी का हल ढूंढ लें। भाई साहब हम बात करेंगे, अगर कोई और चारा नहीं है तो हम माओवादियों से भी बात कर सकते हैं। सही बात, सही बात। अरे क्या बोल रहे हो, इसकी क्या जरूरत है? इसका हल ढूंढने के लिए नक्सलियों को बुलाने का मतलब है नरकासुर को मारने के लिए बकासुर को बुलाना।
नहीं, मैंने तो बस एक बात कही थी, जिनके पास कागजात नहीं है उनकी परेशानी के बारे में बात करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। जिसके पास कागजात हैं उसके लिए मैं बात करूंगा। आप सब जाके चैन से सो जाएं, कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज पंडित जी। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। चलो जयराम जी, जयराम जी की, जयराम जी की पंडित जी, जयराम जी की, जयराम जी की। अच्छा, वो लोग यहाँ थे इसलिए मैंने ऐसा कहा। उस्मान और उसके बेटे को बहुत मारा उन लोगों ने, तो क्या ऐसी मुसीबत हम पर भी आएगी गिरिजी? वो ऐसे ही मैंने, कल तुम भी मेरे और बाकी सबके साथ चलोगे जयंत, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम उनसे भी बात करोगे। तुम्हारी दुकान है जिससे तुम्हारी रोजी रोटी चलती है। हाँ जरूर आऊंगा, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। गिरी जी, काफी समय से आपसे एक बात कहना चाहता था। इन लोगों का यहाँ से पानी भरने देने का फैसला ठीक नहीं है, अब यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। आप तो जानते ही है ना, मनुस्मृति का अनुवाद भी आपने ही किया था। सुनो जयंत, हर महान धार्मिक ग्रंथ में कुछ छंद भगवान ने और कुछ छंद कपटी लोगों द्वारा लिखे गए हैं। मैं दोनों का अनुवाद करता हूँ, पर जब मैं छंद सुनाता हूँ तो जानता हूँ वो किसने लिखा है। केवल ऊपर वाले के गाए हुए छंद ही सुनाऊंगा। सुनिए, ये माओवादियों और जादूगरों के अलावा कोई सरकार या पुलिस नहीं है जो ऐसे मामले सुलझाए। मेरे हिसाब से जयंत मामा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें इसमें फंसने की क्या जरूरत है? हमें किसी ने डराया धमकाया है क्या? हम अगर घर पर होते तो सुरेश कुमार से मिलकर बात कर लेते, या फिर मेल भासी के बेटे पीटी गणेश से। ये कौन है? DYFI के सदस्य हैं। वो बात कर लेते तो सब कुछ सुलझ जाता, कम से कम लड़ाई उन लोगों के बीच में ही रहती। यहाँ कोई DYFI नहीं है क्या? यहाँ उनकी बहुत जरूरत है। सुनो, बच्ची खांस रही है, उसे तैयार कर दो, आज उसका पहला दिन है। खेल खेल, तुम्हारी बारी है। खेल तो अपने हाथ दिए है, इसे क्यों मल्लू बोल रहा है? वो देखो सामने बैठे हैं वो लोग। देख, सबके बारे में बात करना और ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। राजा मटरासी पी अकड़ है, जा तू बात कर। देखो बेटा, हाईवे पर जो कोयले की फैक्ट्री वाली धुएं की पाइप है, वो जब यहाँ लाई गई थी तो मैं यहाँ था, उसी फैक्ट्री में काम करने आया था। 19 साल की उम्र थी तब मेरी। मैंने सुपरवाइजर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और रोजी रोटी के लिए मैंने वो जगह खरीदी, एक दुकान बनाई और रहने लगा। यहाँ पे लगभग जितने भी लोग हैं, बस गिरिजी को छोड़कर 10-15 साल पहले अलग अलग जगहों से फैक्ट्री में काम करने के लिए ही आए थे। तो और यहाँ पर बारिश में जब नदी का पानी ऊपर तक आ जाता है तो फैक्ट्री का कूड़ा करकट उसी में जाता है, पानी भी खराब हो जाता है उसका। इस तरह की जगह पर तब से लेकर अब तक पानी का सिर्फ एक ही स्रोत है, और वो है गिरिजी का पुरातन कुआं। उस पुराने घर के आसपास जो गलियां बनी है सिर्फ कुएं की वजह से, और यहाँ के लोगों का जो आपस में प्यार है वो बहुत ज्यादा है। ये साला क्या बड़बड़ कर रहा है? अरे इन्हें ये बताओ ना किस लिए हम यहाँ आए हैं। उस फैक्ट्री के 3 मजदूरों में से 2 मजदूर यहाँ पे रहते हैं। देखो भाई, ये कोई सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का काम नहीं है कि अपना सामान लेकर जरा पीछे खिसक जाएं और सड़क बन जाए, बल्कि हमेशा के लिए जाने की बात है। अगर हमें यहाँ से निकाल दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, काम धंधा रोजगार सब बंद हो जाएगा, हम सब खाएंगे क्या? इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कब तक खाली हो जाएगा ये सब? ओ मल्लू लोग, राजा मत कर। यहाँ पर हर प्रांत के लोग रहते हैं और वो कई सालों से रहते आए हैं, जानते हो ना, कई लोगों के पास पूरे कागजात भी हैं। ये देखो, महाशय आश्रम के लिए और जहां तक मुझे मालूम है उसके लिए पहले से ही काफी जमीन है।
और तुम इन सड़कों पर भी कब्जा करना चाहते हो। अगर तुम यहाँ की सारी जमीन भी जोड़ो 3 एकड़ से ज्यादा नहीं होगी। सुनो राजा, मानते हैं कि हम सभी बाहरी हैं, लेकिन इनकी धमकियों से हमें डरना नहीं चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, तुमने कभी सोचा इस बारे में कि इनका मालिक कौन है? हमसे जमीन लेकर ये क्या करेंगे? सुना है महाशय के नाम पर यहाँ आश्रम बनेगा। अगर यहाँ देश की भलाई के लिए रेलवे लाइन बिछती तो इस नेक काम के लिए हम ये जगह खुशी खुशी खाली कर देते, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते। पर हम इस जगह को इसलिए खाली कर दे कि यहाँ पर एक ढोंगी का आश्रम बनना है, ये गलत है ना? ताला बकता उसका। इसके बारे में बात किया? महाशय भगवान के बारे में? एक बार बोल, फिर से बोल, एक बार बोल। ए राजा, यही है ना वो पंडित जिसके यहाँ अमेरिकन पूजा पाठ करने आती है? जा जा पंडित, अंग्रेजन को कहो चल जा। ए यादव, छोड़ छोड़ यादव, ब्राह्मण है, हाथ मत लगा, अभी छोड़ दे, अभी जाने दे, बाद में बात करते हैं। चलिए पंडित जी, जाइए। चलो 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 निकला। हाँ चलिए, जाओ जाओ चलो चलो चलो। अरे भगवान के नाम पर पाखंड कर रहे हैं ये लोग। ए सफेद दाढ़ी, तू इधर आ। तने अबे आ, क्या है? आजा आजा आजा। दोबारा भगवान के बारे में कुछ मत बोलना, याद रखना। चलिए इनको लेकर जाओ ना। उठाओ, दांत तो नहीं टूटा तुम्हारा? नहीं। अच्छा है, बच गया। मुझे पता था उतावला होकर कूदेगा तो तेरा यही हाल करेंगे ये लोग, और वही हुआ ना। वैसे जा कहाँ रहा है तू? दुकान पर, और कहाँ, वो तो पीछे ही रह गई। हाँ? ऐसी पड़ी कि दुकान ही भूल गया बेचारा। अगला नंबर हमारा ही है क्या? देखते हैं। हमेशा से पूछना चाहती थी, कौन है ये रामारायण? कौन? वही जो तुम्हारे सपनों में आता है, नींद में भी उसी का नाम चिल्लाते रहते हो तुम। मैं रामारायण? मुझे नहीं मालूम। इतने सारे पुराण शास्त्र और पोथियां पढ़ ली है तुमने कि सपने में भी महाभारत और भागवत के पात्र दिखाई देते हैं तुम्हें। राम, अश्वत्थामा, अगस्त्य, अनिरुद्ध और कौन कौन दिखाई देते हैं तुम्हें? कुछ नहीं बेटा। Thank you.
नंदी द्वार वहां होगा, वो घर हटना चाहिए। किसका है वो घर? एक मलबारी है, मलबारी पंडित। पता नहीं समझ उससे बात करके जो भी करना है करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। पंडित जी के ऊपर मुसीबत आने वाली है। ये तो अपनी मनमानी से ही सब कुछ कर रहे हैं। हम सभी को यहाँ से हटा कर ही मानेंगे। पंडित जी This movie download from DesireMovies.plus. मैया ठीक है। ये घर आप कितने में बेचेंगे? मुझे नहीं बेचना। जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। पिज़्ज़ा, नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, हम आपसे हाथ मिलाने आए हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए। बता दो इसे कि मुझे ये घर नहीं बेचना है। पंडित जी, अरे बेटा, का नाम है आपका? मेरा नाम आर्या है। आर्या, वाह। भाभी जी, आप कोनो चिंता ना कीजिए, बच्ची का सर्दी खांसी जुकाम सब चला जाएगा। एक बार सिर्फ महाशय भगवान का हाथ सिर पे पड़ जाए। अंदर आ जाओ। मुझे पार्टी करने चला गया। कुछ कहा नहीं, 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 नहीं बाबा। तूने वहाँ दारू पी? कुछ कहा मैंने? हाथ आगे कर। पर तूने गौ मांस क्यों खाया? गोमांस खाएगा? वो चलो तो बाबा, नहीं था। कमललाल जी साहब, हे कमललाल, बड़ा आए साहब। चमन लाल तेरा ही बेटा है, कितना मारेगा और? लेकिन और मारेगा तो उसका मांस तुझे ही खाना पड़ेगा। जा। ठीक ठीक है साहब। पंडित जी आप ये पेटिशन हमें दे रहे हो आरसी शुक्ला को, एक मामूली सा सब इंस्पेक्टर को। अरे आपको पता भी है कि महाशय भगवान के भक्तों में कौन कौन से लोग शामिल है? ये मुख्यमंत्री जी, तिवारी जी, जानते हो ये सबका सीएम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ महाशय का सीएम है। और सिर्फ ये मंत्री जी ही क्यों, यहां पे होम मिनिस्टर, डीजीपी, एसपी, सब 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 के सब मिले हुए हैं। हम कुछ बोलेगा तो तुम्हारा केरला का तरह नहीं है, यहां से 300-400 मील दूर किसी दूर दराज इलाके में पटक देगा उठा के, जहां सिर्फ और सिर्फ नक्सलवादियों का राज चलता है। और ऐसी स्थिति में नुकसान किसका होगा? नुकसान तो साला हमरा बीवी बच्चों का ही होगा ना साहब। ए बारा साहब, आइए हाथ दिखा, चल गा। धर्म सनातन के रक्षक हो तुम, गो माता की तुम संतान, गो माता की तुम संतान। अबे सुर में का? आगे बढ़ो, रक्षा करो, तेरी माता है परेशान, माता है परेशान। चल जा। जी साहब। स्पेशल ऑर्डर है पंडित जी, इस राज्य में जो कोई भी गोमांस खाएगा उसे गाना गवाना ही पड़ेगा, मालूम? स्वच्छ भारत।
अरे पंडित जी, महाशय भगवान को आने दो ना। देखो, महाशय भगवान आएगा तो जमीन का दाम बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, और वैसे भी आपके वो पुराने घर में क्या रखा है, सिर्फ कुआं एक। मैं तो कहता हूं कि आप आश्रम वालों के साथ ना बैठ जाओ, बैठ के एक अच्छा सा दाम तय कर लो, और जो कुछ भी है बेच बाच के केरला चले जाओ। पर इंस्पेक्टर जी, पंडित जी, आप इस वक्त घर जाइए, आप ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, इत्मीनान से सोच लीजिए, ठीक है? नमस्कार पंडित जी। क्या हुआ गुरुजी? चलो चले पंडित जी। अनिल राघवन, डीबीसी नाम की एक मीडिया कंपनी है, वहीं पे रिपोर्टर हूँ। हेलो। हाय, मैं यहाँ किसी की खबर छापने आया हूँ जिसकी आप शिकायत करने आए हैं। हाय, आई एम एलन रिचर्ड फ्रॉम यूएसए। हाय, मैं आपसे मिलना चाहता था, मैंने सुना है कि आप आश्रम को अपना घर नहीं देंगे। क्या मुझे ये भी बोलने का हक नहीं है कि मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता? ये हक वक सब बेकार है पंडित जी। आश्रम बनाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। स्कूल की जमीन को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, समय है अभी। उनके पास समय नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम लोग यहाँ बात करते रहेंगे और वो लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे। कौन? महाशय भगवान, अ वेरी पावरफुल मैन, राइट नाउ किंग मेकर। जब से उसके खेल में धर्म शामिल हुआ है वो बहुत खतरनाक हो गया है। हफ्ते भर के अंदर ही वो यहाँ आएगा। आपके हिसाब से जो आश्रम अभी पूरा नहीं बना है वो यहाँ अपने भक्तों को दर्शन देने आएगा। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है पंडित जी। He is literally a high flying god man, but तूफान की तरह आएगा। भसे Oh, my God.
भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। कहा चाहिए? मैं शहर से मिला। किस लिए? वो क्या है कि समझा कोई एक पंडित जी, आप आइए मेरे साथ। That's the guy. It's a strange name for Keral Nambudiri, right? पलक्कड़ के आसपास के इन तमिल अयंगर ब्राह्मणों के नाम तो पट्टाभिरमन, कस्तूरी रमन, साकेत रामन वगैरह होते हैं। True. Good quality beef. कहां से मंगवाया? Imported है सर। पंडित जी, महाशय भगवान हर किसी की भाषा में बात कर सकते हैं। जय भगवान। आप अपनी भाषा में उनसे बात कर सकते हैं। जरा रुकिए, आइए अंदर। आइए। जय भगवान। धनेश को बुलाओ। जय भगवान। पट्टाभिराम गिरी, तुम्हारे वंश के बारे में भगवान को पता है, मुझे उस पुरातन स्कूल का इतिहास भी मालूम है। आदि शंकर गौरी मां की पूजा स्थापना उसी ने की थी। गिरी जाति जिसकी सदियों से रक्षा कर रही है, मुझे सब कुछ मालूम है। And there is one thing that you must know. आज सिर्फ इस पल तक उस जमीन और घर पर पट्टाभिरामन गिरी का हक था। शिव का अवतार है ये भगवान। अगर ये मेरा कैलाश है तो वो होगा मेरा नंदी द्वार। And I have come to claim it back. But भगवान तुमसे वो जगह यूं ही खाली नहीं करवाना चाहते, बदले में कुछ मिलेगा। धनेश भगवान। जय भगवान। यू सी सर, दिस पीस ऑफ लैंड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वी आर अबाउट टू पे यू गुड 70 lakhs, आई मीन इन टोटल ऑफ 120, पुटिंग मोर 50 lakhs ऑन योर हाउस। एंड नो सर, भगवान इज डूइंग स्पेशली फॉर यू। वी सजेस्टेड हिम डोंट डू दिस, बट ही सेड वी विल टॉक अबाउट इट इन पर्सन, यू शुड थिंक अबाउट इट। आई थिंक दैट यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम सर, एंड भगवान वॉन्ट्स टू गिव यू 25 lakhs एज ब्लेसिंग्स। शांतिपूर्वक इसे स्वीकार कर लो और अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर कहीं चले जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहेगा धनेश। यू वॉन्ट टू से समथिंग नाउ? गिरी परंपरा ने सदियों से स्वयं को समर्पित किया है हिंदू धर्म की पवित्रता की रक्षा के लिए, सभी धर्मों में एकता बनाए रखने के लिए। किसी गिरी ने आशीर्वाद के लिए कभी सर नहीं झुकाया, किसी अवतार के आगे भी। गिरी ने जगत प्राणी को भगवान माना है, बच्चों को ज्ञान प्रदान किया है, हर धर्म का सम्मान किया है, सभी धर्म और जातियों को एक समान समझा है, जो स्नेह से पनपी हैं, अपने कुल देवता के चरण छूकर अपने जगत गुरु के चरणों में सर झुकाने के बाद एक गिरी सूर्योदय देखता है। ग्रंथों एवं कुल देवता की रक्षा करते हुए अपनी आस्था को जीवित रखना एक गिरी का सर्वोपरि कर्तव्य है। वो शस्त्र विद्या नहीं जानते, किसी युद्ध को जीत नहीं सकते, फिर भी वो घर कई सालों तक आक्रमण के पश्चात भी अपनी जगह पर विद्यमान है। रक्षकों पर संकट हमेशा होता है, परंतु हमें भय नहीं, और इसीलिए महाशय भगवान मेरा घर छोड़ने को मत कहो, उन्हें भी क्षति मत पहुंचाओ जो लोग मेरे घर के आसपास रहते हैं। इस धरती पर जहां पानी की कमी है उनके पास जाने के लिए
और कोई जगह नहीं है। पट्टाभिरामन गिरी को भगवान शिवरात्रि तक का समय देता है। अभी मेरी तीसरी आंख नहीं खुली और इस बीच यू मस्ट लीव, यू विल लीव। भगवान, सीएम तिवारी आया है, चुनाव आने वाले है ना, तो हार का डर सता रहा है उसको, इसलिए आपके आशीर्वाद के लिए आया है। आ जा तिवारी, रक्षा करो हमारी प्रभु, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है भगवान, अब सब आपके ऊपर है भगवान। हाँ बैठ, रक्षा करो भगवान, सब कुशल मंगल, रक्षा करो। जय भगवान, जय भगवान। चुनाव में विजय तेरी ही होगी, चिंता मत करो, अपनी शक्ति दिखा, आयुष्मान भव, मेरा सिंहासन नहीं रे भगवान, मुझे ही विजय प्राप्त हो भगवान। दूर से आया हूं, किस लिए? महाशय भगवान, तुमने उससे लड़ने का फैसला किया है ना, एक फैसला और करना होगा, अभी इसी वक्त इसी समय, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुम अपने पैर पीछे हटा लो और जो पैसा वो दे रहा है उसे ले लो और ये जगह छोड़कर यहां से चले जाओ। अगर तुमने उसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया तो अपना सब कुछ खो बैठोगे। जो तुम जिंदा रहते हुए कभी नहीं देखना चाहोगे तुम्हें वो देखना पड़ेगा। क्या अर्थ हुआ इसका? चले जाओ, मुझे डराने आए हो? ये मेरा देश है, मेरा देश, निकल जाओ यहां से। ऐसा लगे कि तुम अकेले हो और तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो तुम वहां उस आग को देखना, वो मैं हूं। कुछ नहीं,
लेट मी टेल यू सर, महाशय भगवान के स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हैं, फ्लैट्स हैं, आई मीन अ टोटल ऑफ 127 आश्रम्स ऑल ओवर इंडिया। सुनो, हम तुम्हें जहाँ चाहो घर दे सकते हैं, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद नहीं होगी और तुम्हें मंथली इनकम भी मिलेगी। वो देखो, वो खाली हाथ जा रहे हैं क्योंकि फालतू की मुसीबत खड़ी की। खास करके तुम्हारी बिरादरी के लोग तो समझ सकते हैं, तुम सच्चाई और कल्पना में फर्क समझ सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? जय भगवान। भगवान, श्री भगवान की यहाँ से आई शिवरात्रि की मिठाई खाएंगे। चलो खाओ। कुछ कह सकते हैं। Oh,
भगवान सचिले सिखतारे तुम शिव भोले हर गंगा दिव वंदे मन रंगम नग तुंगम तव मंजम सततम सिर झुका देना चाहिए, नहीं तो ये महाशय भगवान का शाप है, बहुत बुरा शाप। बेचारी बच्ची। जब जीसस को लटकाया गया होगा तो वहां जमा होने वाले लोगों ने ऐसी बातें की होंगी। बेचारा गिरी पंडित। मैंने तो सच ही कहा ना, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? देख, उस कुएं का पानी पीकर ही मैं अभी तक जिंदा हूँ, और जब तक वो पानी खून बनकर मेरे शरीर में है मैं तुझ जैसी बातें नहीं कर सकता। अभी तू कहां खड़ा है? जाओ जी। हमें खोदने से मना कर रहे हैं स्वामी, वो कहते हैं शाप मिलेगा। बाल बच्चे वाला आदमी हूं। कैसी बातें कर रहा है? कैसे हो सकता है? कहां जाएंगे ये लोग? जाओ।
किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी बच्ची। एक गलती की तुमने, जो अद्वैत वेदांत गुरु को भी नहीं करनी चाहिए थी, ये गलती तुमने जानबूझकर की। और तुम्हारे ये आंसू उसी की देन है, पर यह उतना आसान नहीं है जितना कि वेद का उच्चारण करना या सबसे प्यारी चीज खोने के बाद ना रोना। यह शुरुआत है। अगर लड़ने का फैसला किया है तो अभी बहुत कुछ खोना बाकी है, नए खतरे पैदा होंगे, तुम्हें डटकर खड़ा होना होगा, लेकिन डरना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ। नमस्कार मलबारी पंडित जी, तो बताइए कब जा रहे हैं आप वापस अपने देश? मुझे तुमसे नहीं, उससे बात करना है। खोपड़े, आगे से हट जाओ। दुख होता है गिरी जी, भगवत गीता में लिखा है कि कर्म एक ऐसी चीज है जो आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं पट्टाभिराम गिरी ये जमीन छोड़ के जाने वाला नहीं, ये मेरा भी देश है। इस युद्ध में जो मेरे साथ है वो मेरे साथ आकर खड़ा हो जाए, इस लड़ाई में जो भी मेरे साथ है वो आकर मेरे साथ खड़े हो जाएं। अभी Thank you.
ये मेरी जमीन है, चार पीढ़ियों से चलती आ रही है। मेरे पास असली कागजात हैं। राजा राज चोल के बेटे गंगई कोंडा राजेंद्र चोल की राजसी मोहर भी है इन कागजात पर। इस घर में अनेकों ने शिक्षा प्राप्त की है, इसकी रक्षा धर्म के हजारों रक्षक करते आए हैं। खून के प्यासे धार्मिक कट्टरपंथियों के आक्रमण के पश्चात भी ये घर आज तक बचा रहा, तो फिर हम क्यों डरे? लगता है इनको हमारी शक्ति में अब भी यकीन नहीं है। यादव। जय भगवान। वहां खोदो, हमारा द्वारपालक तुम्हें वहां मिलेगा। सबकी भलाई चाहते हैं उन सबका घर है। अंदर जाना है तो मुझे मारने के बाद, एक ब्राह्मण की हत्या करने के बाद। ब्राह्मण का सम्मान करते हम, लेकिन सदियों से ब्राह्मण ब्राह्मण करके जिन लोगों से इन्होंने अपने जूते साफ करवाए, मार मार के अपने खेत जुतवाए, कमर तोड़ मजदूरी करवाई, गुलाम बना के अपने पैरों तले कुचला, जवाब देने वाले हम नहीं होंगे पंडित जी, जवाब देने वाले होंगे ये दलित नारायण, जिन्हें सदियों से तुमसे ना इंसाफी के अलावा और कुछ नहीं मिला। बेटे इधर आओ। नहीं नहीं बेटा मत जा। बेटे इधर आओ। मत जा। ये लो बेटा, ये तुम्हारा हक है, मारो इस ब्राह्मण को। जाओ। अधिकार है, ये गुरुकुल
और ये कुआं जिस पर गंगा माँ का आशीर्वाद है, जगत गुरु आदि शंकर ने स्वयं अपने हाथों से स्थापित किया था ज्ञान के लिए, और अब इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसमें रहने का अधिकार, स्वतंत्रता और यहाँ का सामान और उससे जुड़े सभी अधिकार मेरे अपने हैं, और ये परंपरा यहाँ जीवित है कि पूरा संसार एक परिवार है, और ये कागज उस बात का प्रमाण है। मैं हूं मलबारी टियान। ऐसे कब तक चलता रहेगा? हम यहाँ सिर्फ 2 महीने रुक सकते हैं। अगर ज्यादा रुके तो हमें लटका देंगे। इसे तो बस अपना जादू का खेल दिखाना है। पैसा तो हमारा लगा हुआ है ना? अरे जितने भी बैंक्स हैं ना, सब हमें नीलाम कर देंगे। 2 महीने के बाद बैंक्स हमारे कोई बहाने नहीं सुनने वाले। अभी वो लोग चुप हैं क्योंकि हम धर्म धर्म का खेल खेल रहे हैं। और उसके बाद तुम तो जानते हो ना, इस प्रोजेक्ट में हमने अपना सब कुछ लगा दिया, हम बर्बाद हो जाएंगे। आई नो, मैंने कहा था ना तुम्हें, वो प्रवेश द्वार, वो क्या नंदी द्वार। तुम सीधे उस पर उंगली नहीं उठा सकते अनिल, ना ही तुम और ना ही मैं, बल्कि ना ही कॉन्फेडरेशन। अ कंबाइंड फोर्स ऑफ वेल मीनिंग मीडिया कैन नॉट ब्रिंग महाशय भगवान डाउन। एंड यू नो व्हाट द रीजन इज? हिज सपोर्ट बेस इज दैट ह्यूज। बड़ा है, इसीलिए तो हम यहाँ गागरावाड़ी तक आपसे मिलने के लिए आए हैं। डू यू वॉन्ट टू सी हिज केस फाइल? यस। 1985 में पहली बार ये मीडिया की नजरों में आया, तब इसका नाम था रमाकांत। इसने शुरुआत की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमालय अमय नाम की किताब पढ़कर, ये कहते हुए कि इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। फिर ये 1988 में दोबारा दिखा एक मशहूर शख्सियत के साथ। इट वॉज अ वुमन, वसुंधरा देवी। लोगों ने वसुंधरा देवी को ये कहते सुना कि उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ है। वो एक पुरातन तांत्रिक कला अग्नि स्नान में माहिर थी। वो उस कला को मेडिटेटिव ट्रांस के जरिए दिखा पाती थी। बट यू नो व्हाट, ऑन सितंबर 19Y2K वो मरी हुई पाई गई अपने नासिक वाले आश्रम में। उनका शरीर जलकर राख हो गया था। वसुंधरा देवी की मौत के बाद उसने उनके आश्रम पर कब्जा कर लिया एक नए नाम के साथ, भगवान वसुंधरा दास। वसुंधरा देवी के भक्तों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 2006 में उसने ये किया, अग्नि स्नान। यहां से उसका राज शुरू हुआ, और ये अग्नि स्नान उसका पसंदीदा खेल है। करीब करीब देश के सभी अहम लोग अब उसके भक्त हैं। 2012 से ये इंसान रियल एस्टेट माफिया का सरताज बन गया। 2013 में उसने नया नाम घोषित किया, महाशय भगवान। स्टेट माफियाज को कोई जगह चाहिए तो वो माफियाज महाशय भगवान को 6 महीना देते हैं। उसके अंदर ये विश्वास का ऐसा मंत्र फेंकता है कि सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। एज यू कैन सी, इसी वजह से वो पटाभी की जमीन के पीछे पड़ा है। हाईवे से महाशय आश्रम के बीच की दूरी तकरीबन 43 किलोमीटर के आसपास है। अगर उन्हें पटाभी की जमीन मिल गई, उसे तोड़ने के बाद वो आसानी से हाईवे तक सड़क बना सकते हैं। तब इसकी दूरी हो जाएगी 4 किलोमीटर, मतलब कि रास्ता आसान हो जाएगा। मेरी बात समझे या फिर उनकी समझ लो। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? उसका सबसे बड़ा सहारा उसके भक्त, उन्हें तोड़ना होगा। मान लीजिए मैं कोई चाल चलूं और उसमें कामयाब हो जाऊं, तो आप मेरा साथ देंगे? मुझे विजुअल एविडेंस चाहिए। अगर पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो तो ये चैनल तुम्हारे साथ है। पर मैं तुम्हें सावधान कर दूं, अगर तुम हार गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। किधर जा रही है? हाँ, उस पंडित क्या? तुझे पानी ना वहां मिलेगा ना यहाँ। चल जा यहाँ से, जाने तो एक दूंगा। चल अल्ला!
देखिए, मैंने आपसे कई बार कहा है, आखिरी बार कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसकी देखभाल आप नहीं परम पूज्य महाशय भगवान महाराज कर रहे हैं, और इसके इलाज की एक ही दवा है, और वो दवाई यही है, भगवान खुद अपने हाथों से देते हैं। जय भगवान। मुँह खोलो, इसे कुछ नहीं होगा, भगवान ने खुद मुझसे कहा है कि मेरी बेटी 90 साल तक जिएगी। इनको सुकून मिले इसलिए हम बच्ची को यहाँ ले आए हैं। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। चिंता मत कीजिए पंडित जी, वो ठीक हो जाएंगी। इस तरह से खबर छापी जाती है, हर अखबार में छपी आई है। उन्होंने ऐसा बनाया है कि महाशय आश्रम पर माओवादियों का हमला हुआ है। माओवादियों को तो पता भी नहीं होगा। पंडित जी, कुछ समय के लिए आप यह सब भूल जाइए, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। एक आखिरी कोशिश। एलन, जागते रहना, भगवान के भक्तों की कथा। हाँ, वो दे। चलो चलो, गोरी माँ। नमस्ते। क्या हुआ गोरी मैम, वो पंडित को छोड़ के आ गई? वो एक चीटर है, मुझसे भूल हो गई थी। हाँ? मुझे भगवान जी से मिलना है। मैं जानता था वो बेशरम पंडित तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, पर खैर कोई बात नहीं, अब तुम भगवान के दरबार में आ गई हो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। आओ, जय माता की। भगवान सिर्फ खास लोगों से मिलते हैं। जय भगवान। और देखो, आपको खास बना दिया भगवान ने, यहां से आगे आपको खुद जाना है। किलोमीटर के रेडियस में इसका रिसीवर है। खोपड़े मार डालो दोनों को। साला, साले कब से भगा रहा मैं? भाई, से छुप कर यहाँ आया हूँ मैं। कौशल्या अम्मा से मिलना चाहती थी, पर आप तो जानते ही हैं, आप अपनी इज्जत छोड़ दीजिए गिरी जी, हम छोटे नहीं हो जाएंगे अगर उस सच्चे ताकतवर महर्षि के सामने अपना सर झुका देंगे तो। मेरी बात समझिए आप,
ये सच है कि वो हमारी जमीनें छीन रहा है, लेकिन उसके अच्छे दाम भी तो दे रहा है। मैंने तो अपनी जमीन बेच दी है, उन्होंने आश्रम के अंदर एक बहुत अच्छा घर भी दिया है और आश्रम मुझे ब्याज भी दे रहा है 12%। अब आप ही बताइए कहीं इतना मिलता है? मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, बैठे बैठे इतना कुछ। साथ में पूरे हिंदुस्तान में किसी भी महाशय आश्रम में जाकर के रह सकते हैं जब दिल चाहे तब, वो भी फ्री में। और तो और मुझे दुकान चलाने की इजाजत भी है जब तक दुकान टूटती रही है, इतना काफी नहीं है क्या? मैं नहीं जाऊंगा कभी भी। माँ जी ये ले लीजिए। जीते रहो बेटा। गिरी जी एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप क्यों जानबूझकर शाप ले रहे हैं गिरी जी? जयंत देखा तूने? चलो 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 शुक्ला चलो 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 जल्दी 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 शुक्ला जल्दी 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 चलो। रुकिए पंडित जी, अखबार नहीं पढ़ा आपने? यहाँ माओवादियों का हमला हुआ है, आप घर के अंदर नहीं जा सकते। ऑर्डर्स है पंडित जी। जल्दी करो, देख रहा है, चलो। जल्दी करो, जाओ आगे बढ़ो। जल्दी करो, जल्दी करो। जाओ, जाओ, जाओ। क्या है? कहाँ जा रहा है? चल, जा। अब तेरा यहाँ कुछ नहीं बचा है, चल जा। बचा। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो 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 जल्दी जल्दी करो। चलो 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 खड़े क्या हो, आगे बढ़ो। बाबा कहाँ है? मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था मुझे बचाएंगे और फिर भाई कहीं भी ज्यादा दिन तक नहीं रुकते और वो मुझे कुछ भी नहीं बताते। भाई तो यहां जरूर वापस आएंगे, पर जिस इंसान को मैं जानता हूं वो तुम्हारे बाबा नहीं है, वो मेरे चाचा का बेटा है असलन मोहम्मद। कौन? असलन मोहम्मद। जैसा कि तुम सोचते हो, भाई किसी चेन्नई के स्कूल में पढ़कर बड़े नहीं हुए और ना ही किसी मौलवी की छत्र छाया में, बल्कि सबसे अलग मुंबई में, वो शहर जहां गुंडा राज चलता था वहां रहता था एक खतरनाक मुजरिम जिसे सभी मीडिया वाले राक्षसों का देवता के नाम से बुलाते थे, वो उसी नाम से प्रसिद्ध था। हाँ।
से अभी आपने सुनी असलम की कहानी, पर ऐसा और भी बहुत कुछ है जिसे उसने ना देखा है और ना जिसके बारे में सुना है। वो कहानी सिर्फ मैं ही जानता हूं। जिस कहानी की शुरुआत जमील के शब्दों से हुई है, उसके आगे की कहानी मैं सुनाता हूं, यानी असलम के बीते हुए कल की। किसने किया ये? मैंने। वो असलन के बहुत करीब है, ये जानते भी तूने ऐसा किया? अरे तू जानता नहीं है असलन को। अब्बा, मैं जिसको चाहूं जहां चाहूं भोग सकता हूं, फिर चाहे वो देवी हो, दीक्षित हो, चावला हो, जो भी हो, फिर भी वो दो टके की मलबारी रंडी को किया क्यों? क्योंकि मैं जानता था वो असलन का अपना खून है। मुतासिम। क्या बात है अब्बा, ड्राइंग रूम में बड़े इमरान खान और भीतर आके वो भड़वा गवास्कर। वाह भाई वाह। ओए ओए, तू जानता नहीं है उसको। अरे याद है पिछले होली में बिलावर को भेजा था ना, क्या हुआ उसका? चला चला चला। और उसके बाद वो ढोलकिया और फिर वो मुदलियार। अरे वो अल्लाह रखा है। हाँ, देखते हैं आज असलन और उसकी रंडी बहन को उसका अल्लाह इस मुत्तासिम से बचाएगा कि नहीं, देख लेना। अरे मुत्तासिम रुक जा। अहमद चल। कहाँ गया? बाहर निकल अल्लाह के बंदे।
बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हद हो गई मुत्तसिम, हद।
हिजड़ों की फौज है मेरी, हिजड़ों की फौज। खाओ खाओ ये पैसा और ये सब, ये सोना, ये सोना भी ले लो ये सब सोना। और क्या चाहिए तुम लोगों को? बोलो कौन ला के देगा असलन का सर मुझे? मैं करूंगा। कौन है तू? गुज्जर, रामनाथ गुज्जर, राजपुताना से है माई बाप। हिंदू, तू क्यों करेगा ऐसा काम? ये जुल्म की सल्तनत है माई बाप, क्या हिंदू क्या मुसलमान, आपका काम हो जाएगा। बस गोदी का भाईजान बना दीजिए माई बाप हमें। ठीक है, बना दिया। दे दो। शुक्रिया। समझिए काम हो गया। तू जानता है किसको मार रहा है? हाँ, असलन मोहम्मद मलबारी, बंबई अंडरवर्ल्ड का नाजायज बादशाह। लोग बोलते हैं जो असलन को या उसके करीबी लोगों को मारने की कोशिश करेगा या मारेगा वो कभी जिंदा नहीं बचता। तो तू कैसे मारेगा? अगर उसके सर पर अल्लाह का हाथ है तो मेरे सर पर बाबा जी का हाथ है। असलन, असलन, दिस मूवी डाउनलोड फ्रॉम desiremovies.plus। नमस्ते सलाम भाई। नमस्ते। सलाम भाई। सलाम। सलाम भाई। नमस्ते। सलाम भाई। तुझे सलाम भाई के पैर छू लूं? अरे क्या करती हो भाभी, कितनी बार बोलूं? नमस्ते। सलाम भाई। सलाम। आपने उन्हें क्यों रोका? अपना पैर छूने दीजिए ना, आपके ऊपर अल्लाह ताला का आशीर्वाद है इसीलिए वो ऐसा करते हैं। अल्लाह का आशीर्वाद, वो भी इस सर पर? आमीन। मेरे नाम के साथ अल्लाह का नाम कभी मत जोड़ना, कभी नहीं, गलती से भी मत जोड़ना, समझा? सलाम भाई जान। जमील, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, यहां से चले जाओ। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, मेरे साथ रहोगे तो? हदीस में कहा गया है अपने भाई का साथ दो चाहे वो फिर कितना ही बुरा क्यों ना हो। अगर हदीस सुनाना ही है तो पूरी तरह सुनाओ। महान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अपने भाई का साथ दो चाहे वो बुरा है या उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो भक्तों ने पूछा, ओ अल्लाह के बंदे, हम समझ सकते हैं कि जिसके साथ बुरा हो रहा है उसकी मदद करो, पर बुरे इंसान की हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो नबी ने कहा, बुरे इंसान के दोनों हाथ पकड़ लो और उसे अन्याय करने से रोको। क्या तुम वो कर सकते हो? क्या मुझे रोक सकते हो? मैंने सब तैयारी कर दी है, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर तुम दोनों यहां से चले जाओगे। कहां जाएंगे वो? जो ताबीज है उसमें हमने इतनी शक्ति भरी है कि तुम्हारे उस शिकार को तुमसे बचाने वाला कोई भी हाथ हमारा ये ताबीज काट सकता है।
ले ले अपना हथियार। सूर्यास्त के बाद ही मारना, समझा? मारने के बाद 3 दिन तक लोहा मत पकड़ना, कुछ खाना मत, कुछ पीना भी मत। उसके बाद ये ताबीज सही सलामत उतार कर वापस यहां आकर हमारे ही हाथ दे देना, समझ गए? जा। का सपना है ना? आजा। चलो चलो। निधि, क्या हुआ?
क्या जल्दी है। अल्लाह रखा है तू, अल्लाह रखा। अगर तेरे सर पर अल्लाह का हाथ है तो मेरे सर पर बाबा जी का हाथ है, बाबा जी का। जय बाबा जी। मारने के बाद 3 दिन तक लोहा नहीं पकड़ा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सीधा चलाओ गाड़ी, सीधा मारो है क्या? सीधा चला गाड़ी। मर गया साला। और भाई सर पे ठोकना चाहिए था उसे, मजा आ जाता। जान इधर मेरे, इधर होती है गाड़ी, सीधी चला तू। आओ भाई सीधी चला। भाई 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 वैसा ही रखा है असलम भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, डीजीपी साहब का भी आदेश है। Oh,
चेहरा पहचानता है, बस इतना कहूंगा, अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है। आज तक जिन रास्तों पर तुम चलते रहे उन सब को छोड़कर एक अलग रास्ते पर चलने का वक्त आ गया है। अभी इसी वक्त तुम्हें ये शहर, ये जुर्म का धंधा, तुम्हारे ये लोग, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। किधर? ये मत पूछ, बस उठ और जा। मैं भी चला गया तो वो खान इनको नहीं छोड़ेंगे। जाऊंगा बाबा, ये शहर, ये धंधा, ये लोग, सब सब कुछ छोड़कर जाऊंगा। बस एक और काम। जानता हूं वो काम खत्म करके जा। सब धंधा खत्म कर रहा हूं खान, लेकिन जाने से पहले यह जानना चाहता था कि मैं और जीने लायक हूं कि नहीं। उठा, मैं तेरे सामने बैठा हूं, मारना है तो मार। सिंह को याद कर, उसे मैंने ही मारा था, इन्हीं हाथों से। याद कर खान। तो मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज खान साहब। रात शहर छोड़कर चले गए बिना किसी को बताए, और फिर 3 साल पहले मैंने उन्हें हरिद्वार में देखा। जहां तक मैं भाई को जानता हूं, वो जरूर आएंगे। जय
जमील, जमील, बाबा, बाबा, लड़ाइयां दो तरह की होती हैं, गलत लड़ाई और सही लड़ाई। गलत लड़ाई लड़ने वाले हमेशा स्वार्थी लोग होते हैं, उनके साथ जुड़ने वाले लोग भी स्वार्थी ही होते हैं, और फिर स्वार्थी लोगों की एक सेना बन जाती है, और उनके खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई सही लड़ाई होती है। ये लड़ाई लड़ने वाले वो योद्धा होते हैं जो अकेले लड़ने की शपथ लेते हैं। किसी के भी मदद के बिना वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। किसी भी सही लड़ाई के पहले एक सच्चे योद्धा को बेबसी और लाचारी का सामना करना पड़ता है, और उसकी वजह है ये एहसास होना कि वो अकेला है, और इस एहसास होने तक सब गलत काम करने के बावजूद भी उसके दुश्मनों का कुछ नहीं बिगड़ता। यह एहसास होने तक अच्छा करने के बावजूद भी वो सब खो बैठता है, वो अपनी ताकत खो देता है, दर्द से रो रहा होता है, दिल के टुकड़े हो चुके होते हैं, उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जानते हो ये सब कौन कर रहा है? वो सभी सही लड़ाइयों पर उसकी मोहर होती है। जो योद्धा अकेले होते हैं उन्हीं के हाथों में उनका हथियार होता है। पता है तुम्हें सभी अल्लाह के बंदे अपनी लड़ाई हार कर ही क्यों शुरू करते हैं? घमंड को चलने के लिए, और बिना घमंड के शरीर जलती हुई आग की तरह होती है, और फिर वही आग सच्ची शक्ति बनकर उस योद्धा के शरीर में बहती रहती है, और यही आग सबसे बड़े हथियार में बदल जाती है, वज्रायुधम।
बच्चे को बचाइए। आपने जो भी बुद्धि दी थी वो हमने इसे रोज खिलाई, आपके मोह मंत्र पढ़वाए, आपके शस्त्र नाम भी दोहराए, पर देखिए ना भगवान, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी बच्ची मर गई। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मेरे भगवान के होते हुए ये नहीं हो सकता। कुछ कीजिए ना भगवान, कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए भगवान। बेटी बेटी, मौत तो हर एक के घर में होती है, हमें धीरज से सुकून से काम लेना चाहिए। बस बस, मैं आपका भाषण सुनने नहीं आई हूँ, बहुत सुन लिया मैंने, अब करने का वक्त है। शांति, मुझे मेरी बेटी की जिंदगी चाहिए। आप मेरी बेटी की जिंदगी दे सकते हैं या नहीं, बस इतना बताइए मुझे, जवाब दीजिए मुझे। बैठ जाइए सब, बैठ जाइए। मार दिया मेरी बच्ची को, कोई तो मेरी बच्ची को बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई बचाओ मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ। चमत्कार उसने नहीं किया, आपने किया है, मुझे पता है वो आपने ही किया है। किसी को मौत और किसी को जिंदगी देना सिर्फ एक ही के हाथ में है, उसके। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। जमील, अगर तेरे भाई के साथ बुरा हो रहा है तो उसका साथ देना याद नहीं है तुझे? उसका कोई नहीं है तो मैंने उसको पनाह दी। बताइए भाई, उस दिन आप बिना बताए कहां चले गए थे? हाँ।
सहारा लाने का एक कारण है। जो अभी तक तुम थे वो कोई और था। अब आंखें बंद करो। जो कुछ भी अब तुम्हारे साथ होगा तुम्हारे भीतर होगा। निद्रा अतीतम के साथ हैं। स्वामी जी, अगर आप नहीं होते तो मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं होती। अब आप ही हमारे भगवान हैं। स्वामी जी, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। आशीर्वाद दीजिए। छोटा मुंह और बड़ी बात, हम उसे खत्म कर दें तो अच्छा है। भगवान, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। आई थिंक वी शुड टॉक इट आउट। हमें सिर्फ उसे मारना नहीं है बल्कि उसके आदमियों के सामने मारना है ताकि उन सबको पता चल सके कि उस पंडित के अंदर कोई शक्ति वक्ति नहीं है। Thank you.
मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया इसलिए कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हें जो भी वक्त मेरे भगवान ने बड़ी दया से दिया था वो आज अभी इसी वक्त समाप्त होता है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम खुद जाओगे या नहीं? मार दे। जी भैया जी।
मिया जी को संभाल लेता हूं। शक्ति नहीं है, यहां कोई और है। जब से यहां आया हुआ हूं उसका एहसास हो रहा है, और यहां आसपास ही है कहीं वो, कोई और है यहां। है कौन? भगवान, मैंने पता लगा लिया भगवान, फकीर है वो, उस पहाड़ी पे रहता है, वो कलंदर है भगवान। भगवान कुछ करो भगवान, कुछ करो, आप ही कर सकते हो। उससे मिलना है, इंतजाम करो। हाँ? और सुनो, किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। भगवान इंतजाम करो। संभाल के भगवान मेरे पीछे पड़ा है। कुछ भी चाहिए दे देंगे, पैसे, औरत, शौहरत, कुछ भी। क्या चाहिए तुझे? रमाकांत,
जानता, पर मैं तुझे जानता हूं। देख, गौर से देख। जो ताबीज है उसमें हमने इतनी शक्ति भरी है कि तुम्हारे उस शिकार को तुमसे बचाने वाला कोई भी हाथ हमारा ये ताबीज काट सकता है, चाहे वो हाथ ईश्वर का ही क्यों ना हो। असलम भाई, महाशय, भगवान, कई बार कहा है इसको सियासती गुंडों का अड्डा मत बना, मत बना, लेकिन तुमने कहां सुनी है मेरी? कहां है आश्रम के डॉक्यूमेंट्स? ले आता हूं माता। पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए, आइए। स्वामी जी, उन लोगों ने आपका घर ले लिया, ये सोच के आप दुखी मत होइए। हमारे घर के, हम सबके घर के दरवाजे आप दोनों के लिए सदा खुले हैं। वो तो जादू टोना करता है, उसके पास सिद्धि नहीं है, सिद्धि तो यहाँ पर है। मुर्दे को भी जीवन दान दिया है, और क्या चाहिए हमें? प्रकाश, अब हमें कुछ तो करना होगा। भगवान, महाशय आश्रम की नींव को तोड़ने की शक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? अ फिनोमिनन हैज राइजन एंड हिज नेम इज पट्टाभिरामा गिरी। देखिए भगवान, सिर्फ यही अकेली परेशानी नहीं है। इलेक्शंस हम हार गए, तिवारी हमारा आखिरी उम्मीद था, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। तुम्हारे खिलाफ, महाशय ट्रस्ट के खिलाफ, इसका मतलब हम सब के खिलाफ 107 क्रिमिनल केसेस और 168 सिविल केसेस, रेंजिंग ऑल द वे फ्रॉम मर्डर चार्जेस एंड ऑफ कोर्स लैंड ग्रैबिंग। मिनिस्टर सिन्हा ने वो सब अभी वापस लेने का फैसला कर लिया है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आज तक जो हमारे सबसे लॉयल क्लाइंट्स थे, वो भी अब हमारे हाथ से निकलकर उसके भक्त बनते जा रहे हैं। तो यू मस्ट बीट हिम भगवान, और वो भी सभी लोगों के सामने, क्योंकि उन लोगों को पुख्ता सबूत चाहिए। सब लोग तैयार रहे, बुद्ध पूर्णिमा को हम सारे जहां को बताएंगे कि हमसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है। सुन,
पूर्णिमा है आज, गुरु पूर्णिमा। कौन गुरु कौन भगवान, ये आज रात को तुम सबको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम सबको, जो आज इस झूठे मलबारी पंडित के काले जादू में फंसकर हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, उन सबको एक आखिरी मौका देते हैं हम, वापस हमारे पास शरण में आने का एक आखिरी मौका। ये मत सोच कि तू जीत गया, हार तो तेरी अब होगी। अगर तू वाकई भगवान है तो जो हम आज करने वाले हैं वो करके दिखाओ सबको। जय भोलेनाथ, जय भोले महाशय। से तुझे खत्म करवा सकता हूं इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसके कर्म पर यह धब्बा नहीं लगने दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महाशय भगवान का दुश्मन अब से पट्टा भी रामागिरी नहीं है, बल्कि तू है जिसे तू भूल चुका है। ने अपना अवतार किसी महाशय के नाम पे पैदा नहीं किया है। ऐसी कोई ताबीज, कोई जादुई धागा पूरी दुनिया में अब तक नहीं बना जो अल्लाह की मर्जी के बिना किसी को खत्म कर सके। याद कर रमाकांत, याद कर।
Bhagwan, also known as Ramakant Mahashi, has been exposed. His followers are... 7 countries have issued arrest warrants against this man. At least 10 criminally grave charges. 11 against 10 criminally grave charges. शांत, ये रहे मेरे गुरु। आशीर्वाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक विनती है। मैं एक मामूली सा पंडित हूं, मुझे अब भगवान मत बनाइए। आज मैं जो भी बोलूंगा अपनी मातृभाषा में ही बोलूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदी का स्थान नहीं है, भारत हम सब का घर है। आप लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, उसे देखते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरा ऐसा कोई धर्म नहीं जो भक्तों की भीड़ इकट्ठी करेगा जादू से। गुरु और शिष्य एक हैं, भगवान और उसके भक्त दोनों एक हैं। पूरे विश्व को जिसने ये सिखाया वही महासनातन धर्म मेरा धर्म है। मैं एक आचार्य हूं, वेदों का ज्ञान देने वाला आचार्य, जिसे अभी बहुत कुछ सीखना है। मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दें। आप सभी वापस चले जाएं। जब आप वापस आए तो इस विश्वास के साथ कि किसी भी अवतार के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, कभी नहीं। इसी में आपका कल्याण है। करने क्यों आया हो? चलता हूं पट्टाभिरामा। देवी मां तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। अल्लाह हू अकबर। 10 दिनों बाद वो फिर लौट गया। जो मेरा कोई नहीं था वो मेरी मदद करने के लिए आया था। लगता है उसने उस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है। और कोई नहीं, वो अकेला था। उसका एहसान चुकाया नहीं जा सकता। अल्लाह का बंदा था वो, फरिश्ता था। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना।